हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट प्यारी दोस्त रिचा शर्मा। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं भुने चने और गुड़ के लड्डू। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं और बनाने में भी बहुत ही आसान होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये इतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं कि बस जो लोग एनीमिक होते हैं, जिनको खून की कमी होती है, वो इन्हें उन लड्डुओं का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे आपका ब्लड बहुत तेजी से बनने लगता है और इनको बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए फ्रेंड मैंने ये लिए हैं 350 ग्राम के करीब भुने चने और ये 250 ग्राम के करीब गुड़ है। ये बाजार में आसानी से मिल जाता है भुना चना। फ्रेंड, मैंने एक स्टील की थाली में ये थोड़ा सा शुद्ध घी लगा दिया है। जाड़े होने के कारण घी तुरंत गल जाता है, ताकि ये गुड़ होने की वजह से थाली से चिपके नहीं। फ्रेंड, जैसे ही ये मटेरियल थोड़ा सा ठंडा होता है, हम हाथों में हल्का सा चिकना करके बस इसे राउंड राउंड करेंगे। ये बहुत आसानी से गोल गोल लड्डू की शेप में आ जाएंगे। अब मैं इनका फटाफट लड्डू बना लेती हूँ। आप इस समय चाहे थोड़ा सा अगर ड्राई फ्रूट्स आपको लगे तो फिर आप डाल सकते हैं। वैसे ये प्लेन ही है, अच्छे लगते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर भी कीजिएगा। चलिए जल्दी ही मिलते हैं फिर एक बहुत अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।